This video is sponsored by V-Card. अब कुछ और बच्चियां और महिलाएं यहाँ पर हैं। मैं तो, क्या नाम है बच्ची आपका? सबा फातिमा। आपका? नास फातिमा। और आपका? जहरा बाना। तो आप पढ़ाई करती हैं? हाँ। किस क्लास में? मैं अभी तो हिफ्स कर रही हूँ, हाफिज हूँ मैं, मदरसे की पढ़ाई करती हूँ। अच्छा, और आप भी? नहीं, इंटर फर्स्ट ईयर। तो अभी वोटर हुई? नहीं नहीं। ओ, तुम लोग तो अभी वोटर भी नहीं हो। मैं हूँ, मैं 18 अभी हुई। अच्छा, I really like it, yeah. स्टेबिलाइजर का खर्चा? टॉप एंड LED टीवी है, स्टेबिलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी, इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबिलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी LED टीवी के पास को डैमेज कर सकता है, उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबिलाइजर के साथ। V-Guard, India's number one स्टेबिलाइजर। पहली बार वोट करोगी? हाँ। तो एक बात बताओ, तुम्हारे लिहाज से सियासत में, मुल्क में कौन अच्छा काम कर रहा है? KCR। क्या? KCR साहब। क्या काम अच्छा कर रहा है? जो गरीबों की हेल्प करते हैं और बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, इसीलिए। और ये कांग्रेस पार्टी इस बार सुन रहे बहुत कंपटीशन है, नहीं है? मतलब कांग्रेस पार्टी का कुछ है? हाँ है ना, पर हम तो KCR को सपोर्ट करते हैं। ओवैसी? हाँ, उनको भी करते पर ज्यादा KCR को। ओवैसी से ज्यादा नहीं करते? अवैसी से ज्यादा नहीं, अवैसी है ना अपने मुस्लिम के है ना, उनको ज्यादा करेंगे हम। क्यों ऐसा? तो मुस्लिम को मुस्लिम सपोर्ट करेंगे ना, अब उनके बगैर तो मुस्लिम है नहीं। ऐसी क्या बात है? ये देखो, आपकी बिटिया बोल रही है KCR को ज्यादा करते। हाँ, KCR भी है उन्होंने हमारे हैदराबाद में, तो उन्होंने तो जरा ये करे ना हमारे को सपोर्ट, आगे बढ़ाए हर चीज को, बच्चों की पढ़ाए उनकी हर चीज का मदद उन्होंने कर रहे ना KCR, इसलिए बोल रहे। तो वैसी ने क्या करा ऐसा? वैसी ने करा कुछ? वैसी उन्होंने भी सपोर्ट करते, दोनों भी सपोर्ट करते। अच्छा, एक बात बताओ, ये मदरसे में पढ़ने वाले लोगों को लोग कुछ कुछ बोलते रहते, तुमको पता चलता है? नहीं नहीं बोलते सब, दोनों को भी, हम हिंदू को भी सपोर्ट करते और मुस्लिम को भी सपोर्ट करते। कौन? हम मुसलमान, ऐसा कुछ भी नहीं कि हम हिंदू के खिलाफ बोलते, दो भी हमारे ही है, हम दोनों को भी सपोर्ट करते। ये मैं कह रहा, जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं उनके लिए गैर इस्लाम वाले लोग कुछ कुछ बोलते हैं कि मदरसे में पढ़े बच्चे ऐसे हो जाते वैसे हो जाते, तुमको पता ही है सब? नहीं नहीं, नहीं पता। इनके मदरसे में तो ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं बोलते, ऐसा तो नहीं सुनी मैं कभी। तो तुम्हारा पढ़ाई में मन लगता है? हाँ लगता। तो तुम क्या बनना चाहती हो? अभी तो मेरा हिफ्ज मुकम्मल हुआ और मैं अब इंटर के एग्जाम्स देना चाहूँगी। फिर क्या करूँगी? फिर देखेंगे जो होगा। चलो ठीक है, हमारी शुभकामनाएं, तुम अपनी ज़िंदगी में खूब आगे बढ़ो। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू। तो मैं अब कुछ और लोगों से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? रामास्वामी। आप कहाँ से? नागरकल डिस्ट्रिक्ट। हाँ, तो इधर तेलंगाना में ही है? तेलंगाना है। अभी मैं जानने आया इधर को कि किधर की सरकार आ रही है तेलंगाना में दोबारा। हंग हो जाएगा? हाँ बराबर। किसी को मेजोरिटी नहीं? नहीं आते। उधर गांव विलेज में किसका हवा है? वोटर का ना, वोटर का पहचाना तो नहीं नहीं मालूम है, वोटर का नाड़ी नहीं मालूम है। नहीं, लेकिन विलेजेस में, गांव में किसका ज़्यादा है? बहुत है, कांग्रेस और TRS इक्वल है। इक्वल है? इक्वल है, मैं विलेज में ही इक्वल है, मैं नारकल में बराबर है, पूरा हरा हरी है। इसका मतलब किसी को मेजोरिटी नहीं आएगा? मालूम है अंग। और बीजेपी? बीजेपी नहीं आते। नहीं आता बीजेपी की? नहीं इधर। आप कहाँ से हैं? इनको हिंदी नहीं आता? हाँ, मुझे नहीं आता। आप तो बोल रही हो, आप कहाँ के हो? सेम सर, सब लोग सेम। अच्छा, तो आप ही मुझे बताओ, आपको कैसे हिंदी आता, उनको नहीं आता? मुझे नहीं मालूम सर। अच्छा, ये बताओ किसका अभी इलेक्शन में किसका सरकार बनने का उम्मीद लग रहा है? क्या की सर? नहीं मालूम, नहीं मालूम सर। KCR की कि कांग्रेस की कि OIC की कि बीजेपी? KCR सर। KCR से। KCR ने काम किया कुछ? हाँ जी, राजस्थान से।
तुम्हारा तो चुनाव हो गया यार। हाँ, हमारा हो गया। चुनाव का हम तो यहाँ है ना हैदराबाद। यहाँ कब से हो? हाँ 15 साल से। कब से हो? 15 साल से। अरे यार तब तो आधे तेलंगाना वाले हो ही गए तुम लोग। 10 ही साल पहले तो तेलंगाना बना है, उसके पहले से हो तुम लोग। हाँ। क्या लग रहा है किसका सरकार? केसीआर तेलंगाना केसीआर। कांग्रेस? कांग्रेस ने बीजेपी। लड़ाई में कांग्रेस है? लड़ाई में कांग्रेस। हाँ क्या बोल रहे हो यार? लड़ाई में कांग्रेस है बोल रहा हूँ। कांग्रेस क्या लड़ाई सरकार किसकी आएगी? बीजेपी की। अब जरा मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। एक बात ये बताओ कि तेलंगाना में क्या होने वाला? अभी कुछ भी बोल नहीं सकते, दोनों का आपस में बराबर है मामला। कांग्रेस और तेलंगाना? हाँ, दोनों है, दोनों भी है। हा? दोनों भी चांसेस में है, मतलब ज्यादा जोर जरा बीआरएस का है सर। केसीआर ये हमारा तेलंगाना पार्टी आता साहब, कांग्रेस बीजेपी कोई नहीं आता। जो सीटा है 5-6 सीटा थे, सीट बढ़ेंगे मगर गवर्नमेंट तो हमारा तेलंगाना का ही बनता, अदर स्टेट वाला नहीं बना सकते। लेकिन हमें कुछ कई लोग बताता कि हैदराबाद और आसपास के इलाकों में के टीआरएस का सही है, गांव में विलेजेस में इनका हालत खराब है। कांग्रेस का जरा भारी है विलेजेस में, थोड़ा सा कांग्रेस का थोड़ा विलेजेस में है पावर अभी। बीजेपी का कहाँ? बीजेपी उतना वो नहीं है तेलंगाना में, बीजेपी का उतना ज़्यादा कुछ वो नहीं। 2 या 3 सीट है इधर अभी, वो भी चले आते यहाँ से। मेन सीट बेगम बाजार की है राजा सिंह की, वो सीट भी चले आती तेलंगाना मारता सीट वो भी। गवर्नमेंट कोई भी कुछ भी कर लो तेलंगाना का ही बनता है यहाँ। कांग्रेस भी ना बनाएगा ना बीजेपी बनाएगा ना कोई ना, खाली टीआरएस ही है यहाँ हमारे घर। और कांग्रेस राहुल गांधी प्रियंका में भीड़ तो खूब हो रही है? वो होती पब्लिक आती जाती, पहली बार देखने को मिल रहे हैं वो लोग, टीवी में देखने वालों को रोड पे देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक की भीड़ तो जमा होंगी ना, वो हिसाब से पब्लिक जमा हो रही। मारा आने का तो टीआरएस पार्टी हमारी अगेन पार्टी का गवर्नमेंट यहाँ बनते नहीं। बीआरएस है अभी, अभी टीआरएस तेलंगाना तो भारत राष्ट्र समिति, अभी भारत राष्ट्र समिति हो गया, अभी बीआरएस हो गया टीआरएस से। अभी हमारा चंद्रशेखर राव सीएम ही है, क्या थर्ड सीएम भी उन्हें है अभी कंटिन्यू। हाइट्री ऊपर बड़ा करप्शन का चार्ज भी लग रहा है। इंडिया में कौन करप्शन नहीं करा साहब, पहले कितना खर्चा था इंडिया के ऊपर एक आदमी के ऊपर, अब टिबल होगा, टिबल होगा कौन करे? ये खाने दूंगा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर ये खर्चा किसके ऊपर हुआ? कौन खाई ये पैसा? टिबल खर्चा कर रही है सो ये टिबल। अब जब सीटों पे से उतरेंगे पोल पट्टी उन लोग का खुलेगा, जब मालूम होता वो लोग को। मेरे को नहीं होता। आप कहाँ से आता? हमें निज़ामाबाद। अरे वो तो बड़ा अच्छा निज़ामाबाद जिला है तेलंगाना का जी। उधर का माहौल क्या बनता? उधर का माहौल तो है देखो सरद गर्म है, अभी कांग्रेस और टीआरएस में है दोनों में है ना। हाँ है अभी क्या है, केसीआर साहब अच्छे स्कीमा निकाले, 400 में गैस कर दिए अभी, और ऐसे वजीफे कर दिए अभी 4,000 दे तुम बोल रहे, और बाकी के भी है अभी कुछ स्कीमा, और अच्छा काम कर रहे उन्हें आएंगे अभी आगे भी, टीआरएस हुकूमत बनेंगे वहाँ पर। कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस और टीआरएस में 50-50 है, मगर चांसेस ज़्यादा 90% तो टीआरएस की है। और बीजेपी का क्या है? बीजेपी का देखो वहाँ पे तो अभी कुछ भी नहीं है बीजेपी का, अभी बीजेपी का निज़ामबाद में तो अभी कुछ भी नहीं है। अभी देखो जो पार्टी अच्छा काम करेंगे वो पार्टी को पब्लिक चुन के लेंगी, है नहीं? अब वहाँ पे कैसा है, वो पार्टी हमारी जो टीआरएस पार्टी है वहाँ के एमएलए भी अच्छे हैं, बिगाला साहब उन्हें भी अच्छे काम कर रहे हैं वहाँ पर, और अभी कांग्रेस से शबीर अली साहब ठहरे हैं, मगर वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है शबीर अली साहब का, मगर आएंगे तो बीगाला साहब आएंगे टीआरएस हुकूमत, फिर वहाँ टीआरएस का एमएलए आएंगे। अभी देखिए पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो 119 विधानसभा सीटों में 88 सीटें टीआरएस को मिली थी जो तेलंगाना राष्ट्र समिति थी, लेकिन अब उसका नाम बीआरएस हो गया है, भारत राष्ट्र समिति हो गई है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर पर परिवारवाद का आरोप है, भ्रष्टाचार का आरोप, दिल्ली शराब घोटाले में उनकी बेटी को भी संबंध है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद तेलंगाना राज्य बनाने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया और उसके बाद बहुत सारी लोक लुभावन योजनाएं भी उनकी हैं और बहुत सारे आरोप भी उन पर हैं, बावजूद इसके तेलंगाना की राजनीति में तीसरे चुनाव में भी वो बने हुए हैं। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से हैं? धर्माबाद।
आपका नाम क्या है? बुशरा खानम। आप हाउसवाइफ हैं? जी हाँ। तो संडे को घूमने आई? जी हाँ, बच्चों के वेकेशन है तो इसलिए हम हैदराबाद सिटी घुमाने लेकर आए। यहाँ पर क्या है, ज़्यादा सहूलतें हैं, जिस तरह से यहाँ पर सहूलतें होती है उसी तरह हमारे पास भी सहूलतें होनी चाहिए। सब प्रोग्रेस शहरों तक ही है? सब प्रोग्रेस शहरों तक है, बच्चों की तालीम से लेके हर चीज़ शहरों के लिए ही है, गांवों के लिए कुछ है ही नहीं। गांवों के लोगों को अगर कहीं जाना हो तो वह सीधा शहर जाए घूमने के लिए। अच्छे गार्डन शहरों में है, अच्छी पढ़ाई शहरों में है। गांव के बच्चों को पढ़े तक पढ़े उसके बाद शहर में जाना मुमकिन नहीं है, इसलिए उनकी पढ़ाई रुक जाती है। हम भी पढ़ना चाहते थे लेकिन हमारे पास ज़्यादा तालीम नहीं है उधर, इसीलिए हमने डिग्री करके खामोश बैठ गया। इसलिए हम चाहते हैं कि जिस तरह हैदराबाद सिटी में भी डेवलप हुआ है हमारे पास भी डेवलप हो। धर्माबाद जैसे शहर भी कोई छोटा शहर नहीं है तो वहाँ पर भी अच्छे से अच्छे कॉलेजेस हो और बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम मिले, अच्छे हॉस्पिटल्स हो। जिस तरह हैदराबाद में सिटी में हॉस्पिटल है, हम चाहते हैं कि धर्माबाद में भी अच्छा हॉस्पिटल हो। हमारे पास तो हॉस्पिटल की बेहद परेशानी है, अगर किसी को हार्ट भी आ जाए तो सीधा नांदेड़ या निज़ामबाद लेकर जाओ। तो ये 10 साल से KCR की जो गवर्नमेंट कहती है हमने बहुत डेवलपमेंट कर दिया, इन्होंने क्या किया? नहीं, हमारे पास तो धर्माबाद में तो नहीं है ना, उनकी अभी आ रही है, अभी तक तो नहीं थी। चलिए ठीक है, थैंक यू। अब हम थोड़ा दूसरी तरफ चलते हैं। तो आपका नाम क्या है? बाबूलाल। आप कहाँ के रहने वाले? राजस्थान। यहाँ 35 साल से है, 35 ईयर से। अच्छा, राजस्थान के लोग यहाँ हैदराबाद में बहुत हैं, कई मिल गए हमको क्या? नहीं नहीं, यहाँ बोले तो रहता एक ज़्यादा लोग रहते इधर, बिजनेस के लिए टोटल हार्डवेयर बोलो कोई भी चीज़, सोना चांदी कपड़ा सब राजस्थानी है। तो राजस्थान से और जयपुर से हैदराबाद में क्या फ़र्क देखते हो? अभी ये थोड़ा सिटी क्या है, फार्मास्यूटिकल का हब है, बिजनेस के तौर तरीके से यहाँ थोड़ा बिजनेस ज़्यादा है, मैन बोले तो कंपनी ज़्यादा है। 35 साल से आप हो तो बताओ ये चुनाव में माहौल क्या लग रहा है इस बार? माहौल तो ये तेलंगाना TRS का ही आएगा। ये कांग्रेस जो इतना शोर कर रही? कांग्रेस का उतना नहीं जाएगा, 30 के अंदर ही रहेगा 100%। 15-20 BJP है। 15-20? हाँ पक्का। ये महबूब नगर जो बेल्ट है ना पूरा, मेदक महबूब निज़ामाबाद, ये करीम नगर में भी है। थोड़ा क्या है, वोट परसेंटेज में पीछे रह जाए, बाकी टक्कर में ही रहेगा। ठीक, अब मैं थोड़ा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। कौन सा चैनल है? न्यूज़ सिटी। पुराने हैदराबाद में मैं हूँ और मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है, मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और पुराने हैदराबाद की लोकसभा सीट जो है वो तो ऐसे ही ख़ानदान के पास 1984 से लगातार है और या उसके पहले से भी शायद, और 7 MLA ओवैसी की पुराने हैदराबाद शहर से जीतते भी हैं। इस बार का माहौल क्या है ये मैं जानने की कोशिश इक्का दुक्का लोगों से जो जैसे मिल जाता है। आप यहीं के रहने वाले? जी जी, मैं यहीं रहता हूँ। पिछले बार के चुनाव से इस बार का तेलंगाना का चुनाव कुछ अलग हो रहा है? हाँ, ऐसा तो होना चाहिए। आपकी बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस आपकी बार आएंगी यहाँ पे इंशाल्लाह, क्योंकि ओल्ड सिटी में उतना डेवलपमेंट नहीं है जितना होना चाहिए था, लेकिन हम इसलिए हम लोग अभी कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। तो ओएसी से कुछ लोग कट भी रहे हैं क्या? हाँ कट रहे हैं, बहुत कट रहे हैं, बहुत सारे जो आपको देखने को मिल रहा है। आप बहुत सारे मुस्लिम्स मार्केटों में आप देख लो, अब कांग्रेस का फ्लैग नज़र आ रहा है, इसी से पता चलता है कि बहुत सारे मुस्लिम्स वोट कट रहे हैं कांग्रेस के लिए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ओल्ड सिटी में उतना डेवलपमेंट मेरे को भी नहीं देखने को मिलता। मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, यहाँ आता हूँ हर साल 2 साल में, ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन न्यू सिटी में बहुत डेवलपमेंट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ओल्ड सिटी में 45% पॉपुलेशन तो मुसलमानों की है, लेकिन डेवलपमेंट मैं उतना नहीं देख पा रहा हूँ। मैं जो एक बात मुझे आप बताइए, ये जो हमेशा इंडिया में जहाँ कहीं भी चुनाव होता है, जब ओवैसी की पार्टी वहाँ चुनाव लड़ने जाती है तो उनके विरोधी कहते हैं कि BJP की बी टीम है। यहाँ हैदराबाद के कुछ लोग भी मानते हैं क्या ऐसा कि कहीं कहीं वो BJP की बी टीम? नहीं नहीं, 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 बी टीम तो नहीं है ऐसा कहते हैं। असद साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, वो बात नहीं है, बी टीम तो नहीं है,
लेकिन ओल्ड सिटी की मैं सिर्फ बात करा कि वो वहाँ पे डेवलपमेंट के आधार पे क्या। हाँ, और बी टीम वो बोलते हैं लेकिन बी टीम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग भी अच्छा काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस को अब की बार अहम मौका देना चाहिए, कांग्रेस सरकार तेलंगाना बनाई, कांग्रेस बनाई है सोनिया गांधी सरकार, जब 2014 या 11 में हुआ था तो बनाया तो तेलंगाना कांग्रेस नहीं है, लेकिन जब भी चुनाव हुआ तो कांग्रेस को तेलंगाना ने बिल्कुल नकार दिया। नहीं नहीं सही बात है, अब की बार हमको लगता है कि कांग्रेस आएगी। शहर में या गांव में? शहर की बात कर रहा हूं मैं, आप हैदराबाद शहर की बात कर रहा हूं। आपको क्या लगता है? अच्छा सुनिए, छोड़िए चुनाव की बात, आप क्या करती हैं? कैबिनेट हाउसवाइफ। कहाँ रहती हैं? ओल्ड सिटी में। तो ये पुराने हैदराबाद का डेवलपमेंट हुआ है? नहीं मालूम। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई वी कार्ड।